भगवानपुर क्षेत्र में 18 जनवरी की रात्रि में अज्ञात चोरों के द्वारा कैन केयर फार्मा कंपनी की दीवार तोड़कर कंपनी में प्रयोगार्थ लगभग 6000 रुपये प्रति नग की कीमत के 60 डाईपार्ट व 3 मोटर, 3 ड्रिल मशीन, तार बंडल आदि लोहे के पार्ट्स व सामान चोरी कर लिया गया था, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज करने के साथ अपराध की गंभीरता को देखते हुए सीओ मंगलोर को अपने पर्यवेक्षण में तत्काल टीम गठित कर तत्काल घटना के अनावरण के निर्देश दिए गए थे। निर्देशानुसार अनावरण हेतु अलग अलग टीमों का गठन किया गया था, जिसका खुलासा करते हुए हरिद्वार एसएसपी डी सेंथिल अभुदय कृष्ण राज एस ने बताया। उससे इनसे फैक्ट्री से जो है लगभग 5-5 लाख का माल का चोरी हो गया है। इसका ज़्यादातर जो है जो दवाई भरने का डाई होता है उसका चोरी करने शिकायत करी, तुरंत जो है हमारा थाने में जो है मोरला काम हुआ। 54/21 जो है धारा 457 एवं 380 में काम किया है। तो क्षेत्र इसमें दिहात और क्षेत्र अधिकारी का अध्यक्षता में टीम गठित करी और एसओ साहब ने मेहनत करके जो है इसमें सीसीटीवी फुटेज अगर हमने कांगला तो इसमें हमें सुराग मिली। तो इसमें जो है आज हमने 5 लोगों का हमने गिरफ्तार किया है, उसमें ये कबाड़ी भी है और इनसे सारे माल हमने बरामद कर ली गई। ये कभी इसमें वांछित है। ये लोग जो पहले कैप्टन में काम करते थे तो इनका तनख्वाह इनका कहना है कि हमें पर्याप्त नहीं मिलता है, तो इन्होंने जो है जो बंदुआ फैक्ट्री में इस टाइप का चोरी का योजना बनी। लेकिन हमारा जो भवानपुर थाना पुलिस का मैनेजर जो है इसका सफल अनावरण हुआ है और इस टीम का जो है मेरे तरफ से जो है 10,000 के इनाम घोषित। सर ये कहाँ के रहने वाले, क्या इनका कोई, ये भवानपुर लोकल का ही रहने वाले हैं, सभी लोग जो है भवानपुर का ही रहने वाले हैं और जो है इनका आपराधिक इतिहास के बारे में जो है अभी जाँच किया जा रहा है। ठीक ठीक।